मैं न्यूज 9 टाइम्स और मैं हूं रंजीत गुप्ता। इस वक्त मैं नगर परिषद वार्ड नंबर 13 और 15 के बीच में हूं, जहां विगत 40 से 50 सालों से यहां पे सब्जी व्यवसायी अपना सब्जी का दुकान लगाते आ रहे हैं, लेकिन यहां पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं नगर परिषद इन लोगों के साथ छलावा कर रहा है। नगर परिषद ये इन लोगों को 19 तारीख को इन लोगों का यहाँ से दुकान को हटा दिया और बोला कि हम अस्थायी रूप से आप लोगों को जो है कि हम दुकान बना के देंगे, लेकिन अब तक जो है कि आज 3 तारीख हो गया, अब तक यहाँ पे इन लोगों का कोई भी ना आश्वासन मिला है, ना इन लोगों के साथ कोई दुकान बना के मिला है, ना कहीं कोई ज़मीन की पैमाइश की गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर सारे लोग जो है कि यहाँ पर बैठ के अपने रोजी रोजगार के चक्कर में पड़े हुए हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज यहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लोग भी आज जो है कि यहाँ पे इन लोग सब्जी व्यवसायियों को समर्थन दिए हैं और इस समर्थन में उन्होंने कहा है कि जब तक जहाँ तक होगा जैसे भी होगा हम लोग उन लोगों का मदद करेंगे। अब एक बार और हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग जो है कि अपना रोजी रोजगार के चक्कर में सुबह से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनसे बात करने के लिए कोई आदमी अब तक जो है कि नहीं आ। बबलू सर्राफ ने कहा सब्जी व्यवसायियों के साथ नगर परिषद कर रहा है सौतेलापन। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने दिया सब्जी व्यवसायियों को समर्थन। मुन्ना सराफ ने कहा कि भाजपा नरकटियागंज नगर अध्यक्ष ने भी दिया सब्जी व्यवसायियों को समर्थन। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज नगर के आर्य समाज से मस्जिद चौक तक लगने वाले सब्जी मंडी को हाईकोर्ट के आदेश पर नगर परिषद के द्वारा 19/7/2023 को पुलिस बल के द्वारा हटाया गया, जहां 200 से अधिक सब्जी व्यवसायी बेरोजगार हो गए, लेकिन अब तक नगर परिषद के द्वारा कहीं भी सब्जी व्यवसायियों को दुकान उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसको लेकर सब्जी मंडी व्यवसायी के साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश जायसवाल के साथ भाजपा नरकटियागंज नगर अध्यक्ष मुन्ना सराफ ने व्यवसायियों को समर्थन देते हुए कहा कि हम लोग सब्जी व्यवसायियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यदि नगर परिषद के द्वारा तत्काल वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सब्जी विक्रेता नगर परिषद का घेराव कर सकते हैं, क्योंकि नगर परिषद के द्वारा ही वेंडिंग जोन के लिए लाइसेंस निर्गत किया गया था और लाइसेंस धारियों को बैंक से लोन भी दिलाया गया था। वहीं सभापति प्रत्याशी बबलू सर्राफ और रत्नेश सर्राफ एवं वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद ने सब्जी व्यवसायियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही। बबलू सर्राफ ने यह भी कहा कि गरीबों के साथ अन्याय या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए मैं खुद सदन का मेंबर हूं और मैं सब्जी व्यवसायियों की समस्या को लेकर नगर परिषद बोर्ड की बैठक में बात करूँगा। वहीं आगे की रणनीति बनाने के लिए खुदरा सब्जी व्यवसायियों ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें सभी प्रकार की सहमति से सब्जी व्यवसायी शंभु प्रसाद गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया, जो समय समय से अपना सुझाव सब्जी मंडी व्यवसायियों को देते रहेंगे। वहीं सब्जी व्यवसायी ललन प्रसाद बर्णवाल ने कहा एक समय था जब हम लोग इस रोड में अपने पैसे से मिट्टी एवं राविस गिराकर अपना व्यवसाय करते थे, लेकिन हम लोगों के दुख दर्द को समझते हुए वाइस नगर परिषद अध्यक्ष अखिलेश राज ने तत्काल ईंट सोलिंग कराकर हम लोगों की समस्या का समाधान किए। आज इस भूमि पर लगभग 30 से 40 वर्षों से हम लोग खुदरा सब्जी व्यवसाय करते आ रहे हैं और अपना अपना परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ मकान मालिक ने पीडब्ल्यूडी एवं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भूमि को अपना निजी स्वार्थ साध रहे हैं और हम लोगों को यहाँ से उजाड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं आलू व्यवसायी राजकुमार बर्णवाल उर्फ भिखारी बर्णवाल ने कहा कि आज नगर परिषद सब्जी व्यवसायियों के साथ सौतेलापन दिखा रहा है। एक तरफ नगर परिषद के द्वारा सब्जी व्यवसायियों को लाइसेंस निर्गत कराया गया, बैंक से लोन दिलाया, जिस वजह से हम लोग यहां अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन आज वही नगर परिषद हम गरीब व्यवसायियों को उजाड़ कर सौतेलापन दिखा रहा है और अब तक कहीं भी वेंडिंग जोन की व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा नहीं की गई जहां हम लोग अपना दुकान लगा सके। राजकुमार बर्णवाल ने यह भी कहा कि बड़े बड़े लोग पीडब्ल्यूडी एवं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन को पक्का बिल्डिंग बनवा लिए, अतिक्रमणकारियों के ऊपर भी अतिक्रमणवाद चलाकर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज 9 टाइम्स।
पैदारी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारे बबलू सराफ जी, चाहे जो भी गणमान व्यक्ति सब्जी व्यवसायी के साथ हैं, उन लोग से सब्जी मंडी वाले को प्रेरणा बनता है कि कुछ मैंने पहल होने के बाद हम लोग को जगह मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगा। आगे जितने भी मकान मालिक 20 फीट 25 फीट कर्मर किए हैं, इन लोग का जो जो आपके द्वारा कार्यक्रम किया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सब्जी मंडी हाई कोर्ट के आदेश की वजह से ये उजड़ चुका है और सब्जी मंडी के लोगों ने आज एक सब्जी विक्रेता संघर्ष समिति का गठन किया है, उसमें हमको आमंत्रित किया गया था और मैं यहाँ पर आया हूँ और सब्जी मंडी के जो भी लग सकेगा तन मन धन के साथ मैं इन लोगों के साथ हूँ। और मैं आपके चैनल के द्वारा भी, इस मंच के द्वारा भी मैं नगर परिषद से मांग करता हूँ कि अगर इनको उजाड़ा गया है तो इनको फिर बसा कहीं ना कहीं इनको जगह दिया जाए, इनको बसाया जाए और इनके रोजी रोजगार का, ये गरीब लोग हैं और गरीब लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए सब्जी लगा के सुबह से शाम तक सब्जी लगा के बेचते हैं, इसी से इनका परवरिश चलता है, इनके बाल बच्चों का परवरिश चलता है। तो किसी को भी पीठ पर मारना चाहिए, पेट पर नहीं मारना चाहिए। तो के साथ मैंने यहाँ पर संबोधन भी किया है और मैं नगर परिषद प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनको भी बसाया जाए कि इनका जीविकोपार्जन हो सके, इनके बाल बच्चे भूखे नहीं मर सके। सब्जी मंडी बसाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थन दिया गया है सब्जी मंडी व्यवसायियों को, क्या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के बातों को समझेगी और इनकी लड़ाई खुद लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही हुआ है गरीबों मजलूमों को सहयोग देने के लिए। आज यहाँ से नया नरेंद्र मोदी की सरकार भी गरीबों के उत्थान और विकास करने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी सब्जी मंडी के हर एक मुद्दा पर, सब्जी मंडी के साथ पूर्व में भी रही है और आगे भी रहेगी, इसमें हम आपको आश्वस्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते और हमारे नगर अध्यक्ष रामेश्वर सराफ जी ने सभा में बोला है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है और गरीबों के साथ रहेगी।